हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस चैनल में। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो 9th मॉक टेस्ट है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड रहेंगे इसमें क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन का जो है आपका मॉक टेस्ट रहेगा। चलिए सभी जो है आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले ही जो है पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप रिमाइंडर जो है सेट कर लिया करें, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर अगर आप सेट करते हैं तो आपको जो है रिमाइंडर सेट करने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे ही सेशन जो है आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अपना जो है रिमाइंडर सेट कर लिया करें, जैसे आपको जहाँ पोस्ट मिलती है जैसे ही, तो फिर जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो 20 क्वेश्चन का जो है आज का भी मॉक टेस्ट आपका 20 ही क्वेश्चन का रहेगा। ओके चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को भी गुड इवनिंग, ठीक है। ओके चलिए, तब तक सभी आते हैं, तब तक जो है हम बात कर लेते हैं उस पे कि हिमाचल का 9th मॉक टेस्ट है और इसमें जो है 100 मॉक टेस्ट रहेंगे। आप सबके साथ के कारण ही जो है आज मैं 9th मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ, ठीक है। आई होप कि हम 100 की सीरीज जो है जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और 20 क्वेश्चन ही इसमें रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चे ऑलमोस्ट जो है आ चुके हैं और आने शुरू हो रहे हैं, अभी कुछ आ रहे हैं, चलिए आते रहेंगे। तब तक जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी ज्यादा देर वेट ना करना पड़े और आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है आपको। चलिए, आज का जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है हम दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो जल्दी जल्दी से जो है अपने कमेंट आप दिया करें मुझे, ताकि आपके कमेंट के बाद ही जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको डिस्प्ले कर पाऊंगी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था और दिखा भी दिया है कि कितने क्वेश्चन हैं आपके, तो 20 क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है। आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है। तो नदी से क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नदी से ही क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे वो नदी का उद्गम स्थल पूछा हो या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी हो या फिर जो है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार करके जाए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है रवि, 2 है रवि नहीं होगा रावी होगा यहाँ पे, फिर है आपका ब्यास, फिर है चिनाब, फिर है सतलुज, ठीक है। तो इसका जो है जल्दी से, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने जो है टाइप करना पहले से ही शुरू कर दिया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चिनाब इसका जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मैं किसी के आज जो है बातों का आंसर नहीं दूंगी, आज जो है सिर्फ क्वेश्चंस पे ही हम ध्यान देंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसका अलग डाउट सेशन लगता है, तो आप जो है तब पूछ लिया करें जितना जो पूछना है आपने, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, या फिर शुष्क जैसे एरिया आप जो है कह सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा है जहाँ पे कम बारिश होती है तो वहीं पे सूखा स्थान होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है कुल्लू, फिर है स्पीति, फिर है ऊना, फिर है मंडी, ठीक है। तो सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है पूरे हिमाचल में, जैसे 12 जिले हैं आपके, सबसे ज्यादा और सबसे कम, ज्यादा होती है आपके कांगड़ा जो धर्मशाला जगह पे, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और सबसे कम जो होती है वो स्पीति में। डेफिनेटली है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका स्पीति ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बड़ा बंगाल ग्लेशियर कौन सी नदी का उद्गम होता है, ठीक है।
बड़ा बंगाल ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है। अगर क्वेश्चंस में अगर टाइपिंग में एरर हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको साथ में बोल भी रही हूँ, मैं आपको करेक्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर वन सतलुज, सेकंड रावी, थर्ड चिनाब और फोर्थ यमुना। तो थर्ड क्वेश्चन है आज की सीरीज का। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, उनका भी स्टडी सर्विस में स्वागत है। ओके, और लाइक सभी करके जाए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका सही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर है, रावी जो है इसका आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टूरिज्म से रिलेटेड भी कई बार जो है हमें देखने को मिलते हैं। और चलिए देखते हैं, पर्यटन मानचित्र ठीक मैप से रिलेटेड है, पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, या हिमाचल प्रदेश का जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका देवभूमि, सेकेंड है पुण्य भूमि, थर्ड है तपोभूमि और फोर्थ है आपका आश्रय भूमि, ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आप सही दे रहे हो। ओके, ऑप्शन नंबर वन जो है देवभूमि के नाम से भी जो है हिमाचल प्रदेश को जो है जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देवताओं का निवास है, निवास स्थल है, देवभूमि हम उसे कह देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, और इसमें पूछा गया है आपसे कि सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि घाटी का वातावरण, ठीक है, क्योंकि घाटी का वातावरण किस टाइप का रहता है, क्यों ये साल में जो है एक ही फसल वहां पे क्यों होती है, क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस, शुष्क आंध्र है, सेकंड है गर्म है, अति ठंडा है, गर्म आंध्र है। तो आपको जो है इसका सही आंसर बताना है कि क्यों वहां पे जो है, पहले आपको पता नहीं चाहिए सांगला घाटी जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा वहां का एनवायरमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अति ठंडा वहां का जो है वातावरण रहता है, जिस कारण से जो है वहां पे साल में जो है सिर्फ एक ही बार फसल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, हिमाचल प्रदेश के शुष्क मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर वन है शिमला, सेकंड है लाहौल स्पीति, थर्ड है किन्नौर और फोर्थ है पांगी। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं हम। ओके, फटाफट दीजिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, 20 क्वेश्चंस रहेंगे आज के। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है पाया जाता है शीतोष्ण साइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन शिमला, सेकंड कुल्लू, थर्ड कांगड़ा और फोर्थ ऊना। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा क्षेत्र जो है पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, कुल्लू। सात क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आठवें क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह में अवस्थित है, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह में अवस्थित है, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी या कुल्लू घाटी। बहुत सी ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ सारे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें सेशंस को, क्योंकि 100 में 100 मॉक टेस्ट में जो है आपको
मान के रखिए आपके आपको 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर 20 क्वेश्चन डेली के आपको मिलेंगे, आप 20 क्वेश्चन के हिसाब से जो है 100 मॉक टेस्ट में जो है आप 2000 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, पांगी घाटी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा, सेकंड सोलन, थर्ड सिरमौर और फोर्थ ऊना, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी में जो है, शिवालिक रेंजेस जो है उसमें कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट आपका पूरी तरह से आता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। शिवाली होगी, जास्कर होगी, ये सब जो है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप जो है स्किप ना करें, ओके। चलिए, तो फटाफट बताइए मुझे कि क्या सही आंसर है इसका, और साथ में बता दूं स्टडी सर्विस के द्वारा जो है बीएड एंट्रेंस की जो है कोचिंग दी जा रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फी मात्र जो है 1200 रुपये रहेगी आपकी, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को, राइट। चलिए, इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर है। ऊना जो है वो शिवालिक श्रेणी में आता है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हमीरपुर और ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए, अभी ऊना तो आपने अभी ही देखा, ठीक है, तो आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हैं जो शिवालिक रेंज आपकी आती है वो कौन से उसमें आती है। ऑप्शन नंबर 1 है बाहरी हिमालय, सेकंड है आंतरिक हिमालय, थर्ड है बृहद हिमालय और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, तो सही आंसर जो है इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बाहरी हिमालय। नेक्स्ट टाइम से मैं आपके नाम भी जरूर लूंगी जो आप आंसर दे रहे हैं, इन बच्चों के नाम भी अगली बार से जो है लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। पहले तो हमने देखा कि कौन सा जिला है पूरी तरह से शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। अब है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसको स्पर्श नहीं करती है, टच नहीं करके जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है बिलासपुर, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है शिमला और फोर्थ है हमीरपुर, ठीक है, ओके। तो दीजिए जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, और वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, ओके। तो इसमें जो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है शिमला जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्यांग पशु किस जिले में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर 2 किन्नौर और थर्ड चंबा और फोर्थ कुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है जल्दी से बताइए कि इसमें क्या सही आंसर रहेगा। क्यांग पशु एनिमल है और ये कौन से जिले में पाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, आपको ये बताना है, ओके। तो ये जो है राइट आंसर इसका किन्नौर रहेगा, ठीक है। किन्नौर में जो है क्यांग पशु पाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिण पड़ोसी है। जब आपको पता होगा कि हिमाचल की बाउंड्री के साथ अदर कौन कौन से स्टेट लगते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन में लगती है, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिण पड़ोसी है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड पंजाब और फोर्थ जो है हरियाणा। तो इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है आपका बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो देख लेना इसका, जब सही बताएंगे तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में ये राज्य स्थित है,
ठीक है, तो अगर हिमाचल प्रदेश का आपने मैप देखा है तो आप बता सकते हैं कि हिमाचल के साउथ में जो है वो कौन सा राज्य यानी कि स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर वन है पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड है जम्मू कश्मीर और फोर्थ है उत्तराखंड। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसके हिमाचल के जो है, यहाँ हिमाचल आ गया मान लीजिए, यहाँ पे दक्षिण में जो है वो कौन सा आएगा, तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब इसका जो है सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हिमाचल प्रदेश में पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर वन नेपाल, सेकंड पाकिस्तान, तिब्बत, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो है ही नहीं। ठीक है, कि ये जो है ये अलग डायरेक्शन में आते हैं। अब इन दोनों में से जो है पूर्व में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तिब्बत जो है आपके ईस्ट में, हिमाचल के ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन है मंडी, सेकंड है शिमला, थर्ड है कुल्लू और फिर है लाहौल स्पीति। तो इनमें से जो है आपको सही आंसर बताना है कि क्या रहेगा इसमें सही आंसर आपका। ओके, जल्दी से बताइए ताकि, अब चार क्वेश्चन बचे हैं और इस सीरीज के। ओके, तो इसमें जो है सही आंसर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इतनी लगती है मैक्सिमम, तो 6 बाउंड्रीज टच होती है मैक्सिमम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है। हिमाचल प्रदेश की कौन से जिले की सीमा सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन है बिलासपुर, सेकंड है चंबा, थर्ड है कांगड़ा और फिर है सिरमौर। ओके, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में आता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री जो है वो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही आंसर है बिलासपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है। तो जोतों से रिलेटेड भी आ सकता है क्वेश्चन, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर वन कांगड़ा, सेकंड कुल्लू, थर्ड चंबा और फोर्थ किन्नौर। ओके, सही दे रहे हैं बच्चे आंसर, वेरी गुड। चलिए, तो इसका सही आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाथीदार किस जिले में है। हाथीदार किस जिले में है, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर वन चंबा, सेकंड कुल्लू, थर्ड सिरमौर और फोर्थ कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हम 20 क्वेश्चन हमारे इसमें रहेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि हाथीदार जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल सही, ओके ओके ओके। ओके, तो इसका जो सही आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो इसमें सही आंसर रहेगा, चंबा में जो है आपकी हाथीदार लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है आप लाइक जो है बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे भी जो है आपसे मोटिवेशन मिले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, ऊपर हमने ये डिस्कस कर लिया है। आप कमेंट करके मुझे जो है सिंपल कमेंट करेंगे इसके लिए।
ठीक है, सिंपल कमेंट करके जो है आप मेरे को बताएंगे कि मैंने ऊपर इसका आंसर ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सही आंसर है। ऑप्शन नंबर वन है स्पीति, सेकंड है किन्नौर, थर्ड है चंबा और फोर्थ है सिरमौर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पे बहुत ही कम वर्षा होती है, ये इतना कहा जा सकता है कि सबसे कम वर्षा जहां पे होती है उस जिले का नाम बताइए। तो आई होप कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, और स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा सकते हैं और साथ ही साथ में जो है आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, जिस भी सोशल साइट्स को आप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जो है थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।